हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान एक्सपी चैनल। आज हम जनरल साइंस के इस वीडियो में फाइटोपैथोलॉजी से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने उन सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आप स्टार्ट से अंत तक जरूर देखिए और जितने भी क्वेश्चंस का राइट आंसर पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सो लेट प्रोसीड फॉर क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, पादप रोग विज्ञान मींस प्लांट पैथोलॉजी को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है फाइटोपैथोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी को पादप रोग विज्ञान के नाम से जाना जाता है। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये फाइटोपैथोलॉजी होता क्या है? पादप रोग विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादप के रोगों, लक्षणों तथा उनके उपचारों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से कारक पादप रोगों के लिए उत्तरदायी होते हैं? इनमें से ये तीनों कारक पादप रोगों के लिए उत्तरदायी होते हैं, विषाणु, जीवाणु और कवक। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग कवक जनित रोग है? पहला ऑप्शन है गन्ने का लाल सड़न रोग। इस रोग का कारक कोलिट्रोटाइकम फैलकाटम नामक कवक होता है। इस रोग के कारण गन्ने की तने और पत्तियों में लाल धारियां हो जाती हैं। दूसरा ऑप्शन है मूंगफली का टिक्का रोग। इस रोग का कारक सर्कोस्पोरा पर्सिनेटा नामक कवक होता है। इस रोग के कारण पत्ती के दोनों सतहों पर गोल गोल धब्बे बन जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है गेहूं का कीट रोग। इस रोग का कारक पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिट्रिसाई नामक कवक होता है। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियां तथा तनों पर लाल भूरे रंग का धब्बा बन जाता है। तो ये तीनों डिजीज कवकों के द्वारा होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजरे का इरगार्ड रोग किस कवक के द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है कोलिट्रोटाइकम फैलकाटम। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, कोलिट्रोटाइकम फैलकाटम नामक कवक से गन्ने का लाल सड़न रोग होता है। दूसरा ऑप्शन है सर्कोस्पोरा पर्सिनेटा। सर्कोस्पोरा पर्सिनेटा नामक कवक से मूंगफली का टिक्का रोग होता है। तीसरा ऑप्शन है पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिट्रिसाई। पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिट्रिसाई नामक कवक से गेहूं का कीट रोग होता है। चौथा ऑप्शन है क्लेविसिप्स माइक्रोसेफला। तो क्लेविसिप्स माइक्रोसेफला नामक कवक से बाजरे का इरगार्ड रोग होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस रोग किस कवक के द्वारा होता है? ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस रोग हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी नामक कवक से होता है। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इस रोग से चावल की पत्तियों पर काले भूरे रंग का स्पॉट्स पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कवक अरहर के झुलसा रोग के लिए उत्तरदायी होता है? अरहर के झुलसा रोग के लिए फ्यूजोरियम ऑक्सिस्पोरियम नामक कवक उत्तरदायी होता है। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस रोग में अरहर का पौधा पीला होकर सूख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कवक धनिया में स्टेम गाल रोग के लिए उत्तरदायी होता है? धनिया में स्टेम गाल रोग के लिए प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोरम नामक कवक उत्तरदायी होता है। यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इस रोग के कारण धनिया के तने तथा पत्तियों पर विभिन्न आकार के फफोले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु जनित रोग है? पहला ऑप्शन है तंबाकू का मोजेक रोग। तंबाकू के पौधों में होने वाले इस रोग का कारक टोबैको मोजेक वायरस मींस टीएमवी होता है। इस रोग में पौधों की पत्तियां सिकुड़कर छोटी हो जाती हैं। दूसरा ऑप्शन है आलू का मोजेक रोग। यह रोग पोटैटो वायरस यक्ष से होता है। इस रोग से प्रभावित
पौधों की पत्तियां चितकबरापन तथा बौनापन लक्षण प्रदर्शित करती हैं। तीसरा ऑप्शन है बंकी टॉप ऑफ बनाना। इस पादप रोग का कारक बनाना वायरस आई होता है। इस रोग में केले के पौधे बौने हो जाते हैं। तो ये तीनों डिजीज वायरस के थ्रू होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू में साइट्रस कैंकर रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है। नींबू में साइट्रस कैंकर रोग जैंथोमोनास सीट्री जीवाणु के द्वारा होता है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इस रोग के कारण नींबू पर भूरे रंग के स्पॉट बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक आर्म या एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन किस जीवाणु के द्वारा होता है। ब्लैक आर्म या एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन जेंथोमोनास एक्सनोपोडिस जीवाणु के द्वारा होता है, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इस रोग के कारण कपास का पूरा पौधा प्रभावित होता है और जगह जगह काले भूरे रंग के स्पॉट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से जीवाणु से किरीट पीटिका रोग होता है। पौधों में किरीट पीटिका रोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फेसियंस जीवाणु से होता है, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में होने वाले अजैविक रोग को क्या कहते हैं। पौधों में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग को अजैविक रोग कहते हैं, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। धान का खैरा रोग जिंक तत्व की कमी के कारण होता है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस रोग के कारण पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू का डाइबैक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। नींबू का डाइबैक रोग तांबे की कमी के कारण होता है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस रोग में पौधों की शाखाएं पहले शीर्ष पर सूखती हैं और धीरे धीरे पूरा पौधा सूखने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम का लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। आम का लिटिल लीफ रोग जिंक की कमी के कारण होता है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें पत्तियां मुरझाकर छोटी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कौन से तत्व पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्व हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये प्राथमिक पोषक तत्व होता क्या है। प्राथमिक पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं जो अन्य तत्वों की तुलना में अधिक मात्रा में पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में होता है। पौधों में नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रेट फॉर्म में होता है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पौधे फ्री फॉर्म में नाइट्रोजन का यूज नहीं करते। नाइट्रेट नाइट्रोजन का एक रूप होता है जो कि मुख्य रूप से पौधों द्वारा वृद्धि और विकास के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कवक बाजरा में ग्रीन ईयर रोग के लिए उत्तरदायी होता है। बाजरा में ग्रीन ईयर रोग के लिए स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला नामक कवक उत्तरदायी होता है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इस रोग को डाउनी मिल्ड्यू रोग के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग के कारण बाजरे की बालियों में हरे रंग के रेशे निकल जाते हैं जो बाद में काले रंग के चूड़ में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू का वाल्ट रोग किस कवक के कारण होता है। पहला ऑप्शन है एल्बुगो कैंडिडा नामक कवक पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे सफेद स्पॉट बनाते हैं। दूसरा ऑप्शन है सिंकेट्रियम इंडोबायोटिकम। आलू का वाल्ट रोग सिंकेट्रियम इंडोबायोटिकम नामक कवक के कारण होता है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस रोग के कारण आलू के ट्यूबर में काले धागे जैसी संरचना बन जाती है और कभी कभी पूरा आलू ही सड़ जाता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का अंगमारी रोग किस कवक के कारण होता है? आलू का अंगमारी रोग फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नामक कवक के कारण होता है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियों पर पहले भूरे रंग का धब्बा बनता है और अंत में पत्तियां पूरी तरह से झुलस जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को भी सोशल नेटवर्क के थ्रू शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।